श्रृंगार श्रृंगार। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हिंदी पढ़ाते हैं, और श्रृंगार और आशीर्वाद ये होता है। शासकीय हाई स्कूल चौरा में है अनियमितताओं का डेरा। शिक्षा विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका उदाहरण आए दिन सामने आता रहता है, पर विभाग द्वारा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा माफिया तंत्र का संरक्षण ही किया जाता है। कहीं शिक्षक कक्षा में बैठकर सोते पाए जाते हैं तो कहीं स्कूल से ही गायब रहते हैं, कहीं तो हिंदी के ही शिक्षक हिंदी के शब्द गलत लिखते हैं। मामला है त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत चौरा का, जहां शासन द्वारा निर्मित हाई स्कूल है। वहां पर बीते दिनांक को 10:30 पर पहुंचकर देखा गया तो सिर्फ 3 ही शिक्षक उपस्थित पाए गए। कुछ देर के बाद हेडमास्टर भी आ गए, फिर 11 बजे 2 शिक्षक और आए, जिनसे देर होने का कारण पूछने पर उन्होंने गाड़ी खराब होने का बहाना बताया, जबकि उनका वाहन पूर्णतः ठीक नजर आ रहा था। बाकी बचे 2 शिक्षक वेद प्रकाश मिश्रा जी एवं सीताराम हरिजन जी, जो विद्यालय आए ही नहीं। 11:30 बजे तक विद्यालय में चल रही कक्षाओं में शिक्षक की अनुमति के साथ प्रवेश करने के बाद बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखने को कहे गए, जिनको कुछ बच्चों द्वारा तो सही लिखा गया लेकिन शिक्षक द्वारा गलत बताकर गलत शब्द लिखे गए। पूछने पर ईश्वर दीन जी ने बताया कि मैं हिंदी का ही शिक्षक हूं, लेकिन इनके ही द्वारा हिंदी में ही आशीर्वाद श्रृंगार उज्ज्वल शब्द गलत लिखे गए। यही हाल एक अन्य शिक्षक का भी था। ईश्वर दीन जी कक्षा में ही गुटखा खाकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि स्कूल की कभी जाँच होती होगी या नहीं? BRCC अपने आराम चैम्बर से निकलकर कभी स्कूल में भी झांक के लिए जाते हैं और सिर्फ खान पूर्ति ही की जाती है। इस विषय में BRCC जी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, और यह कोई पहला मामला नहीं है। विद्यालय में सोते पाए गए शिक्षक के विषय में भी जानकारी लेने के लिए BRCC से बात करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन BRCC ने जानबूझकर बात करने का समय नहीं दिया। त्योथर तहसील में ऐसी कई स्कूलें हैं जहां शिक्षक समय पर तो नहीं जाते, इसके बावजूद वह लिखने और पढ़ने में भी असमर्थ है। ऐसे शिक्षक बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे, यह सब समझ में आता है। चौरा गांव के आमजन का शासन प्रशासन से यह निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों को तुरंत विद्यालय से बाहर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। श्रृंगार श्रृंगार। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हिंदी पढ़ाते हैं, और श्रृंगार और आशीर्वाद ये होता है। उज्ज्वल लिखो बेटा, उज्ज्वल। हाँ, उज्ज्वल उज्ज्वल। पहले सुन लेना है, इसके बाद लिखना है। उज्ज्वल, जल्दबाजी नहीं करना। गलत है, हो गया हो गया, बैठ जाओ बेटा। तुम लिखोगे? लिखो। ये सही है सभी लोगों के लिए? सही है सर, ये सही है? ये सही नहीं, ये सही नहीं है सर। आप बता दीजिए सर। एक सेकंड, एक फिर। हाँ, अब बेटा क्या नाम बेटा तुम्हारा है, कहाँ के हो? बैठो। ये सही है सर जी, थोड़ा सा आप लिख के दिखाएंगे? ये सही है। और सर श्रृंगार
श्रृंगार। ये तो सही है सर, लेकिन जो उज्जवल बच्चे ने लिखा था वही सही था, आपने जो उज्जवल लिखा है वो गलत है। उज्जवल है, उज्जवल आपको है। अब सर मेरे वाणी में गलती मत निकालिए, मैंने जो बोला है वो रिकॉर्ड है। जी सर, रिकॉर्ड है। तो बच्चों जो बेटा ने लिखा था, क्या नाम बताया तुमने अपना बेटा? अमन सिंह। अमन ने जो लिखा था वही उज्जवल सही है, और ये उज्जवल जो आपके सर जी ने लिखा था ये गलत है। सर आपका शुभ नाम क्या है जी? ईश्वरदीन कौर। आप समय क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? मोबाइल है ना, मोबाइल में देखिए समय कितना हो रहा है, देख के बताइए कितना हो रहा है समय। विद्यालय खुलने का क्या समय है? 10:30। तो आप अभी तक कहाँ थे? गाड़ी पंचर हो गई थी। और ये गुटखा खा के बच्चों को पढ़ाते हैं आप, क्लास में जाते हैं तो मुंह में तो है आपके, और आप विद्यालय के अंदर जा रहे हैं। अच्छा कुल्ला करेंगे, एक सेकंड सर रुकिएगा। मेरा नाम ब्रह्मानंद त्रिपाठी है, मैं पत्रकार न्यूज से हूँ। क्या शुभ नाम है आपका सर? समय क्या हो रहा है सर इस समय? समय अभी जुबे सर आए तो उनसे नहीं पूछा हूँ। 10:52 क्यों? विद्यालय खुलने का समय क्या है? 10:30। आप अभी तक कहाँ थे? मैं 50 किलोमीटर दूर से आता हूँ, बाइक तुम्हारी गड़बड़ हो गई। ये आपकी समस्या है, सबकी बाइकें गड़बड़ हो रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं सब यही बता रहे हैं गड़बड़ हो गई थी। और रही बात दुबे जी की, आपने जो कहा तो दुबे जी कल ट्रेनिंग में गए थे, मुझे ये पता है, प्रिंसिपल सर ने बताया था, तो उनका अनुशंसा लगी हुई है कि वो लेट ही आएंगे। नहीं मैं क्या था कि कल छुट्टी थी, घर चला गया था, घर मेरा काफी दूर है, क्यों था? भैया वो आपकी समस्या है, आप विद्यालय में लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। आज लेट हो गए हैं, गाड़ी भी गड़बड़ थी इसलिए लेट हो गए। आप किस क्लास के क्लास टीचर हैं? मैं 7वीं का। पहला पीरियड किस चीज का होता है जी? पहला पीरियड किस चीज का होता है? साइंस। आप पढ़ाते हैं साइंस? साइंस का होना है। तो आज जो बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया, 31 सितंबर तक, तब तक तो आपको पूरी छूट है कि आप विद्यालय मनमर्जी जब आए तब आए जी। यदि देखा जाए तो 14 बारी स्कूल जितना समय से चलता है और जितनी सारी पीरियडें लगती हैं, शायद त्यौथर तहसील में कहीं लगती है। बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ, आप जैसे शिक्षक रहेंगे, 2-3 शिक्षक थे जो समय पर मुझे मिले हैं, मैं 10-20 से यहाँ बैठा हूँ, और बाकी मैं देख ही रहा हूँ कितना बढ़िया स्कूल चलती है। ठीक है सर, आप जा सकते हैं, क्लास में जाइए।